आंधी चलने से कई भवनों की छतें उड़ी, जिलाधिकारी ने दी राहत राशि। मसूरी में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है, कभी तेज हवाएं तो कभी बारिश तो कभी चटकती धूप से मौसम सबको हैरान किए हैं। तेज हवाओं ने मसूरी को अपनी आगोश में ले लिया है, जिससे कई भवनों की छतें उड़ गईं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। सबसे ज्यादा नुकसान नानपारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों का हुआ, जिनकी छत उड़ने के कारण बारिश का सारा पानी उनके घरों में घुस गया, जिससे कि उनका कीमती सामान खराब हो गया। नव भारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। ओक्स रोड पे जो है नावा हाउस है, यहाँ पर जो सुबह 10:30 बजे तेज आंधी की वजह से यहाँ पर लोगों की जो है जो 4 लोग हैं उनकी छत उड़ गई थी। तो इसका संज्ञान लेते हुए हम पहले भी यहाँ पर आए थे और इसकी जानकारी जब हमने SDM साहब को दी तो, और माननीय मंत्री जी यहाँ नहीं थे, वो चंपावत थे, मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा यहाँ पर जो है कुछ घर हैं जिनकी छत उड़ गई है। तो उन्होंने निर्देशित किया और कहा कि सरकार की नीति है कि जो राशि है वो तुरंत जो है लोगों को मिलनी चाहिए और इसको यहाँ के SDM साहब ने जो है तुरंत इम्प्लीमेंट किया, तो वो भी बधाई के पात्र हैं। और माननीय मंत्री जी ने वहीं से जो है फ़ोन करके उनको यहाँ भेजा है और आपने देखा होगा कि 11-12 बजे हम यहाँ पे आए थे और अभी जो है तुरंत वो जो है राशि इनको दे दी गई है। पहले होता क्या था कि बहुत लंबी प्रक्रिया थी, लेकिन सरकार जो है इसमें चिंतित है और वो कहते हैं कि जो इमीडिएट राशि है एक 3800 रुपये के, 3200 रुपये के, 7000 रुपये के चेक जो है 4 परिवारों को यहाँ पे दिए गए। तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता की सरकार जो है किस तरह से जनता के प्रति संवेदनहीन है, उनको जो है देख रही है कि कहाँ पे किसको दिक्कत है। तो इसी के फलस्वरूप है कि एक ही दिन में यहाँ पर चेक जो है वितरित हो गए। यही जो है भारतीय जनता पार्टी की और सरकार के प्रशासन की नीति है कि जो भी कहीं पर ऐसी आपदा से कोई किसी को जो है नुकसान होता है तो बाकी जो कागजी कार्रवाई होती रहेगी, लेकिन जो इंटरिम राशि है वो तुरंत जो है पीड़ित को मिलनी चाहिए। उसी का फलस्वरूप है कि आपने देखा होगा कि एक ही दिन में इनको जो है यहाँ पे चेक वितरित किए गए। नहीं, जो आज की घटना है ये सुबह 10:30 बजे की है। मसूरी में एक हैवी स्टॉर्म, जो थंडर स्टॉर्म था, बहुत तेज आंधी आई है। इन 4 गरीब परिवारों के जो आशियाने थे, जो झोपड़ियाँ थी, टिन सेट वगैरह, इसको उड़ा के ले गई। इनका काफ़ी नुकसान भी हुआ है, घरेलू सामान का, बर्तनों का, कपड़ों का। तो चूंकि ऐसी स्थिति में आर्थिक सहायता इमीडिएट देने का प्रोविजन था, तो प्रशासन ने मौका मुआयना किया, रिपोर्ट तैयार की, और जो इनको अहितुक सहायता है बर्तनों के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग, और जो इनकी आंशिक क्षति जो घरों की छतें उड़ गई है उसकी सहायता के रूप में जो धनराशि है उसका चेक अभी आपके सामने मौके पर ही दे दिया गया है। क्योंकि तभी उनका फ़ायदा भी है, सरकार की मंशा भी है कि वो प्रभावितों को राहत राशि इमीडिएट जो देवी आपदा के मामले हैं तत्काल दे दी जाए, ताकि उनकी जीवन यापन में कोई दिक्कत ना आए। उसी के क्रम में ये इमीडिएट किया है और फ्यूचर्स में भी अगर इनकेस कुछ होता भी है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी ग्राउंड पर जाकर इमीडिएट सहायता उनको उपलब्ध कराएगा। जी, इसके संबंध में जो बैठक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो चुकी है, उसके बाद आपदा प्रबंधन की बैठक हमने मसूरी में डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट, PWD, जल संस्थान, बिजली, फॉरेस्ट, फायर, पुलिस, सबके साथ एक हमने एक वो बैठक भी कर ली है। एक मॉक ड्रिल का प्रोविज़न अभी है जो हमें जून के पहले हफ्ते में रखा है और सभी ने अपने प्लान तैयार करके रखे हैं। हम किसी प्रकार की जो आपदा होगी उसको इमीडिएट मिटिगेशन के लिए, उस पर जल्दी से जल्दी रेस्टोरेशन के लिए जो काम करना है उसका प्लान तैयार कर दिया गया है। डेफिनेटली गहलोगी के ऊपर पिछले 2-3 सालों से काफ़ी दिक्कतें हैं, उसको लेकर के, क्योंकि वो ऐसी जगह पर क्रोनिक जोन हो गया कि जैसे लोग भूस्खलन से सड़क मार्ग बार बार बंद होता है। माननीय मंत्री जी ने भी इसमें कई बार निर्देश भी दिए हैं, बैठक भी ली थी अभी पिछले 15 डेज पहले। तो डिपार्टमेंट ने उसकी एक डिटेल DPR बना ली है, चूँकि उसकी जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी अभी आई प्राप्त हुई है और उसका पूरा अध्ययन कराया गया। तो अभी वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पे है वो भूस्खलन, तो कुछ उसमें स्टेबिलिटी के लिए डिपार्टमेंट अभी विचार कर रहा है कि इमीडिएट काम कराएं या उसको स्टेबल होने दें। तो डिपार्टमेंट इस पर लगा हुआ, जैसी उसका फाइनल DPR शासन स्वीकृत होती है तो वहाँ पर बचाव के कार्य भी करा दिए।